हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम एक सेटअप बॉक्स ठीक करेंगे, फ्री वाला D2H का। दोस्तों क्या प्रॉब्लम है मैं बता दूं आपको। इसमें दोस्तों सिग्नल वीक की प्रॉब्लम है, देख सकते हैं आप लोग, दिखा सकता हूं मैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें नो सिग्नल आ रहा है और कभी कभी इसमें चिपकने लगती है, देख सकते हैं आप लोग चिपक चिपक के आ रहा है। छतरी हमारी ठीक है, LME ठीक है, वायर ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी इसमें प्रॉब्लम ये बनी रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसे रिपेयर कैसे करेंगे वही आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कैमरे को कर लिया है मैंने सेट और बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो हमारी दोस्तों इसमें दो कार्ड होते हैं, एक नेटवर्क कार्ड और एक सप्लाई वाला कार्ड। तो सप्लाई वाला कार्ड जो है उसमें दोस्तों प्रॉब्लम होती है 3.3 वोल्ट से। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों कितनी सप्लाई होती है ये बता दूँ आपको, 24 वोल्ट होती है, 12 वोल्ट होती है, और इसमें 5 वोल्ट होती है और 3.3 वोल्ट होती है। तो मल्टीमीटर को मैंने निकाल लिया है, देख सकते हैं दोस्तों ये स्मार्ट वाला मल्टीमीटर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको चाहिए हो तो। फुल स्मार्ट मीटर है, सेट नहीं करना पड़ता है, कैसे भी कहीं भी पिन लगाएं आप तो ये ख़राब भी नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो पिन लगाते हैं हम। सबसे पहले एक ग्राउंड कर लेते हैं, यहाँ 12 वोल्ट वाली पिन में लगाया, एक ग्राउंड हो गया। और अब सबसे पहले हम इसके 12 वोल्ट चेक करते हैं। तो दोस्तों 23 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, इसमें थोड़ी बढ़ती सप्लाई दिखाता है, SMPS सप्लाई है ना इसलिए। तो 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं तो यहाँ पर 4 वोल्ट दिखा रहा है। दोस्तों दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये 4 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट सप्लाई चेक करते हैं, 27 वोल्ट के आसपास आ रही है, 24 वोल्ट की है लेकिन ये दूसरी करते हैं, ये दोस्तों 14 वोल्ट के आसपास आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी पिन सही से नहीं बैठ रही है, देख सकते हैं दोस्तों ये 14 वोल्ट के आसपास आ रही है। ठीक है दोस्तों, और ये है 12 वोल्ट की सप्लाई। अब 3.3 वोल्ट चेक करते हैं हम, तो देख सकते हैं ये कितनी आ रही है, ये आ रही 2.5 वोल्ट के आसपास, 3.3 वोल्ट भी प्रॉपर नहीं आ रही, 3.3 तो बहुत दूर रह गई है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दिक्कत किससे, 3.3 वोल्ट से। तो उसके लिए हमारा क्या ख़राब है दिखाता हूँ आपको, थोड़ा वीडियो पास कर लिए मैंने। ये दोस्तों कंडेंसर का ख़राब है, 1000 UF 10 वोल्ट का कंडेंसर है, ये फिल्टर है जो फट चुका है, फूल चुका है दोस्तों, ये ख़राब हो चुका है। तो इसे आप चेंज कर लेंगे, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी सिग्नल वीक की। ठीक है, तो कार्ड को निकाल लेते हैं, लॉक दबाकर नोक प्लस की मदद से बाहर निकाल लेते हैं कार्ड को, और सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार आपको। देख सकते हैं कार्ड हमारा आ चुका है निकल के बाहर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, वैल्यू मैंने आपको बताई दी है, फिर भी एक बार निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, यह फूल चुका है कंडेंसर, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बेकार हो चुका है। ठीक है, चाहे तो आप किसी और कार्ड से में से निकाल सकते हैं पुराना, और वरना नया भी लगा सकते हैं, वैल्यू मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, तो हमारे पास नया कार्ड है, चाहे तो हम ये लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग कार्ड चेंज कर देते हैं, लेकिन हम कार्ड को रिपेयर करना सिखा रहे हैं इस वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं। और चैनल पर रिपेयरिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिलती रहती है, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, विजिट करें चैनल पे, और चैनल पे कोई फेक वीडियो नहीं होती, सारी की सारी वीडियो रियल होती है। देख सकते हैं आप लोग, इस कंडेंसर को निकाल लेते हैं हम शोल्डर आयरन की मदद से। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, और D2H की वीडियो आपको और मिलती रहेंगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे बताएंगे, तो मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ एक बार, 1000 UF 10 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये ख़राब है हमारा फिल्टर, इसे हटा देते हैं, दूसरा लगाएंगे दोस्तों, वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास पुराना पड़ा हुआ है, हमने कार्ड में से निकाला था इसमें लगाने के लिए, वो भी दिखाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये आ गया हमारा कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, ये भी 1000 UF 10 वोल्ट का है, तो इसे लगा लेते हैं फटाफट, उसके बाद चेक करा के दिखाते हैं किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। इसको ध्यान से लगाना है दोस्तों, माइनस वाली पट्टी देख के लगानी है। ठीक है दोस्तों, और इसे कर लेते हैं शोल्डिंग बढ़िया करके, देख सकते हैं। और सेटअप बॉक्स दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लोग, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शोल्डिंग कर ली हमने बढ़िया करके, अब इस कार्ड को फिट करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि दोस्तों हमारी प्रॉब्लम दूर हुई नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, 100% दूर होगी, क्योंकि इसमें कंडेंसर हमने चेंज कर दिया है और सीधी प्रॉब्लम आ रही थी, जैक को लगा लेते हैं फटाफट। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ, क्योंकि हमने कंडेंसर चेंज करा तो उसमें फ़र्क आना चाहिए दोस्तों। तो ये हम लगाते हैं 12 वोल्ट की माइनस पे पिन। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गए हमारे 24 वोल्ट, इसके बाद आएंगे हमारे 12 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, जिसमें 14 वोल्ट आ रहे हैं, अब सीधे आ गए हमारे 3.3 वोल्ट की सप्लाई पूरी आ गई दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब इसे चेक कर लेते हैं हम लोग स्क्रीन पर एक बार ले जाके। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास चल रहा है हमारा, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, सिग्नल की प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक
शेयर कमेंट। चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर रिपेयरिंग की वीडियो आपको मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।